गुड मॉर्निंग राधे राधे सभी को। सुबह के बज के हैं 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। उठ के मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, नहा धो लिया है मैंने। तो आज मैंने अर्ली मॉर्निंग ही बाथिंग कर लिया है, तो अब मैं डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर से। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और स्कूल का लंच बॉक्स। तो यहाँ पर मैं सूजी के रवा इडली बना रही हूँ। मैं तो नाम भी भूल गई थी, कभी कभी माइंड से निकल जाता है ना नाम। तो इसको मैंने रात में भिगाने के लिए डाल दिया था। आजकल ठंडी ज़्यादा है तो रात में भी भिगा सकते हैं, वैसे 10-15 मिनट भिगाने से भी चल जाता है, लेकिन मैंने रात पर ही भिगा दिया था। फिर अगर 10-15 मिनट भिगाने के लिए डालती तो फिर और जल्दी उठना पड़ता मुझे। तो फिर मैंने सोचा चलो विंटर नाइट है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने रख दिया है अभी ओवन, उसमें इडली स्टैंड में गर्म पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर जो पेस्ट है, पेस्ट मैं इनके स्टैंड में डाल दूँगी। बस 10-15 मिनट में इडली बन जाएंगे मेरे। और इडली मैंने निकाल दिया है, इसमें बन के रेडी हो गए हैं। तब तक मैं सोच रही थी ये जो बर्तन है इनको सेट कर लेती हूँ, रात के धोए हुए बर्तन थे तो फिर इनको सेट करूँगी। तो फिर नए बर्तन धोने के लिए हो गए हैं, तो जगह चाहिए होती है नए, फिर जो बर्तन धुलेंगे अभी उनके लिए। ये देखिए इडली बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बने हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। सूजी के इडली होते हैं जो सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, तो अच्छा लगता है बच्चों को। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए सही है, जल्दीबाजी में ब्रेकफास्ट क्या बनाई हो जाती है, इसलिए मैं इसको बना देती हूँ। और इसको अच्छा भी लगता है मेरी बेटी को ये रवा इडली। तो इसका तो लंच बॉक्स रेडी हो गया है। और अब मैं यहाँ पर थोड़े से मखाने हैं, मखाने को मैं हल्का सा घी पर फ्राई कर लूँगी। आजकल फ्रूट्स में ऑरेंज वगैरह नहीं दे रही हूँ मैं, इसके थोड़े ठंडी बहुत है, स्कूल अभी ओपन ही है तो इतने ठंडे में स्कूल जा रहे थे, थोड़ा गला में इसका खराबी, हल्की हल्की खांसी है, तो खट्टी चीज़ें कम ही दे रही हूँ। तो फ्रूट्स की जगह मैं ये ड्राई फ्रूट दे दे रही हूँ। तो मखाने गरम कर रही हूँ, तो घी में फ्राई किए हुए थोड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं। थोड़े इसको दे दूँगी, थोड़े मैं भी खा लूँगी, और हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। जो बैक पेन हो गया या घुटनों में दर्द हो गया, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है मखाने। और सर्दियों का टाइम है तो ड्राई फ्रूट काफ़ी लेने चाहिए, और इससे विटामिन की कमी भी नहीं होती और ठीक भी रहता है। और मैं लंच बॉक्स तो रेडी हो गया है, सोच रही थी अब चाय बना लेती हूँ। जल्दी नहा लिया था तो ठंडी भी काफ़ी हो रही है, तो थोड़ा चाय पीने का मन तो करता ही है सुबह सुबह। तो मैं पहले चाय बनाती हूँ, उसके बाद जो भी काम होगा उसके बाद करती हूँ। इसको रेडी करना है अभी मुझे, तो सोच रही हूँ पहले जल्दी से चाय वगैरह पी लेती हूँ। और यहाँ पर मलाई है, मलाई निकाल दिया है मैंने, और चाय रेडी होती है अब। चाय वगैरह भी पी लिया है, और यहाँ पर मैं अब बिस्तर फोल्ड कर लिया है मैंने, और अब मुझे बेटी को तैयार करना है, स्कूल के लिए रेडी करना है। तो जल्दी से इसको मैं इडली खिला देती हूँ। कुछ और चीज़ तो अच्छे से नहीं खाती ये तो, लेकिन इडली अच्छे से खा लेती है। और टाइम भी हो रहा है तो भागा दौड़ी काफ़ी हो जाती है मॉर्निंग पर। और बैग रेडी है इसका, बस टिफ़न वगैरह मुझे रखने हैं इसमें, वाटर बोतल और टिफ़न, और गर्म पानी ही रख रही हूँ आजकल, क्योंकि नहीं तो ठंडा पानी काफ़ी ज़्यादा है तो गर्म रखना ज़रूरी है। और अभी ये खुद खा रही है तो अभी इसको रेडी करती हूँ मैं। राधे राधे सभी को। तो जी वैष्णवी भी चली गई है स्कूल, और अब मैं दूसरा वाला ब्रेकफास्ट बनाऊंगी अपने लिए और उनके लिए। बीन्स और रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इडली ज़्यादा पसंद नहीं है, वो भी नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो बच्चों के लिए ठीक रहता है, वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अब मैं दूसरा ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, झाड़ू पोछा भी करना है, और ऐसे तो काम चलते रहेंगे, भी आगे शेयर करती रहूँगी आपके साथ में, तो बने रहिएगा। और काम करते करते बाल भी सूख गए हैं मेरे, पता ही नहीं चल गया, क्योंकि इतना मतलब सुबह का रूटीन इतना हैक्टिक रहता है ना, पूरा बीच भागा दौड़ी ही रहती है। और बाल भी सूख गए हैं मेरे, लेकिन अभी काम बहुत है। सुबह जल्दी नहाने से फायदा यही होता है, मतलब कि एकदम ताजगी भरा रहता है पूरा दिन, और काम भी जल्दी हो जाता है।
और लगभग 10 बजे तक काम खत्म हो ही जाएगा मेरा। जिस दिन जल्दी नहीं नहाते ना उस दिन बिल्कुल आलसी सा रहता है पूरा दिन, और उस दिन ठंडी भी ज्यादा लगती है, तो जल्दी नहाने का यही फायदा है। और आगे सब कुछ मैं शेयर करते रहूंगी, तो चलती हूँ अब सीधे किचन की ओर। यहाँ पर कट गई है बीन्स और आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं, और यहाँ पर प्याज हल्का सा फ्राई कर लिया है, तो आज मैं प्याज डाल ली हूँ सब्जी में, क्योंकि आज तो वैसे मंदिर में भोग लगाना नहीं है तो मुझे, तो आज प्याज डाल लेती हूँ। और बीन्स की सब्जी बना रही हूँ, और रोटियाँ बन चुकी हैं, रोटी भी बन गई है और सब्जी भी रेडी हो गई है। काफ़ी अच्छी सूखी सूखी सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है बीन्स और आलू की। और अब मैं यहाँ पर, वो भी चले गए हैं ड्यूटी पर और उनको दे दिया है, तो मैंने अब मैं यहाँ पर खाऊंगी। और जैसे कि मैंने बताया था उन दिनों में मैं भोग या मंदिर की सेवा नहीं करती हूँ, तो मानसिक सेवा ही करती हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने लिए खाना ला गई हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मानसिक सेवा करूँगी अपने परमपिता परमेश्वर की। तो यहाँ पर मैं, मन से ही सेवा भी बहुत बड़ी सेवा होती है, जब हम अशुद्धि में होते हैं जो भी कंडीशन हमारी होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हम तन से ही सेवा करें उस टाइम पर, तो मैं मन से सेवा करती हूँ। तो जी नाश्ता पानी भी हो गया है, और सब्जी में इतना ज्यादा मिर्च था ना, मेरे तो तोते उड़ गए हैं, हालत खराब हो गई है मिर्च से, क्योंकि मिर्च मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी मिर्च, तो इस बार ज्यादा डाल दिया मैंने। अभी भी इतना ज्यादा मिर्च लग रही है, पूछो मत, मतलब पता नहीं ऐसा लग रहा है, शायद मुंह में छाले भी पड़ रखे हैं मेरे, पता नहीं इस वजह से भी हो सकता है शायद, ज्यादा तो मैंने मिर्च ज्यादा ही डाल दी थी, 3 मिर्च डाल दिए थे वैसे। और टाइम में मैं ज्यादा मिर्च नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो बहुत हल्का मिर्च डालती हूँ, क्योंकि उनका सब छोटा सा बाल स्वरूप है, उनके लिए बहुत हल्का मिर्च, और वैसे भी मिर्च हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। और मेरा तो खानदानी गुण भी है शायद ये, मेरे पापा को भी मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं था, बोलती थी मम्मी तो नहीं खाते थे वो, बोले थे, तो मुझे भी इसलिए मैं पहले से ही मिर्च नहीं खाती हूँ, मतलब बिल्कुल सह नहीं पाती हूँ मिर्च में। थोड़ा सा मैंने रोटी में घी लगा लिया था ना, तो मैं रोटी घी के साथ ही खाती हूँ, तब थोड़ी सी राहत मिली। तो अब ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है बाहर, और देखती हूँ क्या काम, क्या क्या काम होता है। अभी बच्चों का भी स्कूल ओपन ही है, अभी 30 से छुट्टियां हैं, ये भी चले गए हैं ड्यूटी, अब बच्चों को और ड्यूटी वालों को तो जाना ही पड़ेगा, हम तो अंदर ही हैं, फिर भी अंदर ठीक है। फिर भी चाय बनाती हूँ अब, और चाय तो पीना ही पड़ेगा, कितना ही कम करो 3-4 टाइम हो ही जा रहा है, क्योंकि ठंडी है ना, थोड़ा इतना दिन भर काम रहता है ना, तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, नहीं तो थोड़ा सा एनर्जी आती है चाय पीने से, ठंडी भी है। और फिर अब मैं वही काम है, अब लंच की तैयारी करूंगी, आज बोल रहे थे लंच थोड़ा जल्दी बना देना करके, देखते हैं एक बार आएंगे वो लंच करने के लिए, वैसे तो आटा अपने साथ ही ले जाते थे, देखते हैं और क्या क्या काम होता है। सॉक्स पहन लेती हूँ सबसे पहले, ये है मेरे गर्मा गर्म सॉक्स, बिना इसके तो होता ही नहीं है। और मुझे अभी बहुत सारे कपड़े मशीन में डालने हैं, ये देखिए थोड़े कपड़े यहाँ पर बचे हैं, अभी आधे वहां सब इकट्ठे करने हैं, इकट्ठे किए हैं क्योंकि आज इसके यूनिफॉर्म के भी हैं, और मेरे भी बहुत सारे कपड़े धोने हैं, मशीन में लगा देती हूँ मैं जल्दी से। और यहाँ पर झाड़ू पोछा लग चुका है मेरा, अब मंदिर वाले रूम पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ झाड़ू पोछा लगाऊंगी तो फिर सब कुछ टच हो जाता है ना, तो थोड़े दिन अवॉइड करूंगी। और यहाँ पर अब मुझे कपड़े डाल दिए हैं मैंने मशीन में, और यहाँ पर तकिया पिलो कवर बेडशीट वगैरह सब धोने हैं आज, तो आज बहुत सारा काम है। ये कल कपड़े धोए हुए थे तो इनको तह लगानी है, तो इनको रख देती हूँ, और डाल दिए हैं मैंने मशीन में ढेर सारे कपड़े। और यहाँ पर मैं डाल ली हूँ अब कपड़े जो धुल गए थे, और धूप काफ़ी अच्छी आ गई है, धूप काफ़ी लेट आती है आजकल, 12 बजे के बाद ही आती है, तो काफ़ी अच्छी आ रही है, 12 बजे से पहले नहीं आती, कोहरा लगा रहता है पूरा। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं, आधे कपड़े मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि फिर पानी की टंकी पूरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर घर के और काम नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने आधे कपड़े शाम के लिए रख दिए हैं, और आधे कपड़े अभी धुल गए हैं, और बर्तन भी धुल गए हैं मेरे। अब बनेगा मेरा लंच, मैं लंच में बन रहा है दाल और चावल, डेली यही बनता है, या कढ़ी चावल बनती है या दाल चावल बनती है। दाल बनाई है मैंने अरहर और कटे हुए चने की दाल, और आज लहसुन भी डालूंगी मैं दाल में, क्योंकि मैंने बताया था आज भोग नहीं लगाना है इस टाइम पर मुझे, तो मैं डालती हूँ प्याज लहसुन सब डालती हूँ इस टाइम पर। और वैसे प्याज लहसुन हम बहुत कम खाते हैं, और जैसे मंगलवार शनिवार को अवॉइड करती हूँ, और नॉर्मल टाइम में भी कभी कभी लेती हूँ, ज़्यादा कम ही लेते हैं, तो इस टाइम पर अभी मुझे भोग नहीं लगाना है तो इसमें डाल लेती हूँ मैं, और क्योंकि
मैं कम ही लेती हूँ, तो मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। और अपनी अपनी पद्धति होती है पूजा पाठ प्रणाली की जो भी है। और यहाँ पर बेड शीट वगैरह चेंज कर लिया है और पिलो कवर डालूँगी मैं सारे इसमें। और देख मैंने जो बेड शीट उठाई थी उनको धुलने के लिए रखी है, लेकिन शाम को धोऊंगी उनको। तो जी यहाँ पर बस अब लंच का टाइम हो ही गया है और बाहर जाके देख रही हूँ मैं, धूप काफ़ी अच्छी आ रखी है, कपड़े भी अच्छे से सूख जा रहे हैं। और अब मुझे लेने जाना है अपनी बेटी को, उसके लिए बहुत ही अच्छी रेडी धूप हो रही आई हूँ मैं। है, थोड़ा सा पहले सोच रही खिड़की खोल थी लेती थोड़ा हूँ सा खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ, क्योंकि धूप थोड़ी अंदर हवा पास हो जाती है तो ना अंदर से जो स्मेल आती है वो दूर हो जाती है। और मैं तभी खोलती हूँ जब धूप आती है, तो सारे डोर वोर खोल देती हूँ मैं, काफ़ी अच्छा भी लगता है। देखो बहुत तेज़ धूप आई है, यहीं पर ही बैठ जाती हूँ मैं, सोफे तक अंदर पूरी धूप आ रही है। और यहाँ पर दाल छौंकना है मुझे अब, तो यहाँ पर हल्दी मिर्च मसाला सब इकट्ठा कर लिया है। हल्का सा मैं पेस्ट टाइप बना लूँगी इनका और छौंक लगा लूँगी। यहाँ पर प्याज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सिर्फ लहसुन ही डाल रही हूँ, प्याज वाली दाल बेटी नहीं खाती है, मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, उससे कुछ अजीब सी स्मेल टाइप लगती है मुझे, तो लहसुन डाल लेती हूँ क्योंकि थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा है तो लहसुन खाना भी ज़रूरी है। हाथ पैरों में दर्द होता है तो थोड़ा ठीक रहता है उससे, और सर्दी भी कम लगती है, और बच्चे ठंडे में स्कूल जा रहे हैं तो उनको खिलाना ज़रूरी है। वैसे तो ये प्याज लहसुन का बिल्कुल नहीं खाती है, लेकिन डालना ज़रूरी है, नहीं तो थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा लग जाती है ना बच्चों को, तो फिर कभी और टाइम में मैं बहुत कम डालती हूँ। और यहाँ पर दाल रेडी हो गई है, अब मुझे रखने हैं चावल। तो चावल भी मैं इन जो पतीला है इसी पर ही बनाती हूँ। प्रेशर कुकर का यूज करना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, अब जब से पता चला उससे पेट में थोड़ी एसिडिटी लेवल ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जी चावल भी बन गए हैं, अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और हम आ गए हैं स्कूल से लेकर, फैलो जो आता है देख लेना ना मोबाइल में आते हैं सारे, कुछ भी कर सकते हो अपने मन से, खाली मतलब 2 मिनट का होना चाहिए। डांस अलग ही होते हैं, आपने देखा ही नहीं होगा ना। फ्रेंड्स मैं आपको चिढ़ा रही हूँ। मेरा मारूंगी आप। भी तो खाओ। और खा पी कर यहाँ पर शाम हो चुकी है, तो मैं सोच रही थी आज केक बना लेती हूँ, आटा वाला केक बना रही हूँ, आटा प्लस गुड़ का केक। मैदे का बहुत कम यूज़ करते हैं हम क्योंकि ठीक नहीं है पेट के लिए, तो यहाँ पर गुड़ और घी को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, काफ़ी 10 या 15 मिनट तक घुमाते रहते हैं इसको, तब जाके अच्छा बनता है ये। और पेस्ट रेडी कर रही हूँ मैं, सिर्फ आटे का है, इसमें मैदा बिल्कुल नहीं मिलाऊंगी मैं, क्योंकि बच्चे खाते रहते हैं तो ये मांगते रहते हैं केक बनाना है, तो आटे का ही बनाती हूँ, क्योंकि सब बिस्किट भी मैदा सब कुछ मैदा का हो गया तो फिर पेट के लिए थोड़ा नुकसान हो जाता है। और पेस्ट रेडी हो गया है मेरा, और मेरा पतीला भी गर्म हो गया, पतीले पर ही बनाऊंगी, ओवन नहीं है मेरे पास तो इसी में बनाऊंगी। और एल्युमिनियम फॉइल से इसको चारों ओर से बंद कर देंगे और छोटा सा छेद बना देंगे ऊपर में से। और मेरा बहुत ज़्यादा हेडक हो रहा है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा चाय बना रही हूँ अपने लिए, अचानक से स्टार्ट होता मेरा हेडेक, थोड़ी देर रहता है, रेस्ट करती हूँ तो थोड़ा ठीक हो जाता है, तो चाय पीकर भी थोड़ा ठीक लगता है। तो वही माइग्रेन टाइप है, आधे हिस्से में होता है ना, तो काफ़ी तेज़ होता है, अब सहने की आदत हो गई इस टाइम पर तो। और यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई थी अंदर खेल रही है, और यहाँ पर मेरा केक रेडी हो चुका है, इतना स्पॉन्जी बना, बहुत ही अच्छा केक बना आज, कभी कभी तो मुझसे बिगड़ जाता है लेकिन इस बार पता नहीं कैसे बन गया। कुछ चीज़ बनाओ और अच्छा बनता है तो ना बड़ी खुशी होती है, और ये हार्ट शेप पर बनाया है मैंने और काफ़ी अच्छा बनाया, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी है। इससे पहले मैंने बनाया था तो बिगड़ गया था, और कुछ कोई दिल से चीज़ बनाते और बिगड़ जाती तो बड़ा मूड अपसेट हो जाता है थोड़ा सा, और बहुत अच्छा भी लग रहा है, हम इसके साथ खेल भी रहे हैं, हार्ट बना है करके थोड़ा सा मस्ती हो रही है। और यहाँ पर आ गई है मेरी बेटी, तो ये बोल रही पूरा ही जल्दी जल्दी खाना है, मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देर पापा का वेट कर लेते हैं, वो भी देखेंगे कितना मस्त बनाए रखे, तो इसको वेट नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो लेकिन इसको खिला रही हूँ मैं छोटा छोटा करके, मैं भी खा रही हूँ, तो मैंने टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है केक वगैरह, थोड़ा मुँह का टेस्ट अजीब सा हो जाता है, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मैंने सब थोड़ा टेस्ट कर ही लेती हूँ, बाकी तो ये लोग खा ही लेंगे सारा, क्योंकि इनको काफ़ी अच्छा लगता है मैं ये केक वगैरह, इसको घर वाला ही केक अच्छा लगता है, बाजार का जो क्रीम अलह वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इसको। और यहाँ पर अब खा पी लिया है, सब कुछ कर लिया है, और यहाँ पर मैं कपड़े धुले हुए थे उनकी तह लगा रही हूँ,
और आधे कपड़े जो मैं शाम को डाले हुए थे वो बाहर डाल दिए हैं, और इनको उठाकर मैं अंदर ला गई हूँ, क्योंकि ये छोटी सी बालकनी है ना तो जगह कम हो जाती है। आज जो कपड़े सूख जाते हैं तो उनको उठा लिया, और जो धुले हुए हैं उनको डाल देती हूँ, और टाइमिंग भी ज़्यादा लगता है सूखने में आजकल। और यहाँ पर बन रही है अब कद्दू की सब्जी और दूध के यहाँ पैकेट पर रखे वैष्णवी हैं। का कल डांस है ना, तो उसके लिए कि मेरा लहंगा, रुको ना, उसके लिए लहंगा देख रही हूँ मैं। ये पिछले साल का लहंगा, जब ये राधा बनी थी तो सोच रही इसी को पहना के जाओ, लेकिन ठंडा बहुत हो रहा है, देखते हैं। और इसका ये चोली है, चोली तो टाइट हो जाएगा स्वेटर के ऊपर से बनाएंगे। एक और है, देखते हैं अभी वो कैसा हो रहा है। और एक चोली ये है इसका, अरे ये स्वेटर में फिट नहीं आ रहा है, पहाड़ी दिखाना। अरे ये देखिए इसमें नाच रही है, लेकिन लहंगा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लंबा है, इसमें गिर सही जाओ, हो रहा है, इसमें देखो गिर जाओगे आप। सही होगा, देखो यहाँ पर स्पेस बन रही है। कैसा होता है बताओ कितने तक आ रहे मैंने, देखो लंबा। मेरा। और यहाँ पर बन रही है अब रोटी, सब्जी बन गई है तो रोटी, और खाना भी बन गया है मेरा, थोड़ी देर पर खाएंगे। और मैं यहाँ पर वैष्णवी का लहंगा छोटा कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसको ही छोटा कर रही हूँ मैं। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है, तो जी सब्सक्राइब जरूर कर देना।